हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइस, आज है मेरे पास दो शूज, और एक है मेरा फर्स्ट शूज जो कि है निविया डोमिनेटर, और एक है मेरा करंट शूज जो कि है एडिडास स्पीड पोर्टल मेसी 0.3, जो आजकल मेसी भी अपने गेम्स में यूज कर रहे हैं और मैंने भी देखा देखी में इसको मंगा लिया। तो गाइस, कंपेयर करने वाले हैं कि क्या एक जो शू है जो आपको पड़ेगा 800-900 रुपये का, और एक ऐसा शू जो कम से कम 4-5 गुनी इसकी कॉस्ट का आपको पड़ेगा, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस मैंने इसमें फील किया, जो कि इसके कुछ पॉइंट्स पे मैं आपको इसका डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो कि इसके लुक्स, इसका ड्यूरेबिलिटी, इसका ग्रिप, इसका कंट्रोल, इसका जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो इसकी ऊपर की टेक्सचर है और इसकी स्टड्स है, इन कुछ पॉइंट्स पे मैं इसको डिफरेंस करने वाला हूँ और बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है, मैंने पर्सनली यूज़ करने का क्या फील किया वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, लेट्स रोल। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी लुक का। तो गाइस, इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे आपको 3 स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, जो कि एडिडास का 3 स्ट्रिप है, जो बहुत ही बेसिक है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट भी आएगा कि ये क्या बता रहे हो भाई, ये तो हमें पता है। और इसकी अगर आप लुक देखें तो बहुत ही एक बेसिक लुक है, ठीक है। अब इसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगी, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके यहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्रेन्स लुक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पैटर्न्स है जो कि इसको कंट्रोल में हेल्प करते हैं, सेम इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसका जो ये लेसिस है वो साइडवेज है, और इसका जो लेसिस है वो भी कहीं ना कहीं साइडवेज है, तो इसका फ्रंट जो बॉल रिसीविंग एरिया है वो बहुत एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, जो कि आपको दोनों में कॉमन मिलेगा। जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में वो है इसके फ्लेक्सिबिलिटी का, जो इसका अपर पार्ट है इस शूज़ का। अगर आपका नैरो फुट है तब तो ये चलेगा, अगर आपका वाइड है या मेरी तरह, तो ये जो इसका जो अपर मटेरियल है वो थोड़ा सपोर्टिव है, वो आपका फ्लेक्सिबल है, वो शेप ले देता है पैर की। अगर आपका चौड़ा पैर है तो ये ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, बट ये वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपकी जो छोटी वाली उंगली है जो यहाँ पे स्ट्राइक करती है उसमें छाला भी हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ हुआ, इसलिए मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सबसे इससे नेक्स्ट चीज़ मुझे इस शू में ये अच्छी लगती थी कि इस शूज़ के अंदर आपको अलग से एक पॉकेट मिलने वाली है। अब ये शूज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया, थोड़ा पुराना हो गया तो ये फट गया है, बट हाँ, इसके अंदर आपको अलग से एक पॉकेट मिलती थी ये वाली, जो इसकी आपको जो एडिशनल कंफर्ट आपको देती थी। ये देखेंगे आप तो यहाँ से मेरा ये फट गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेरा पैर थोड़ा सा चौड़ा है तो वो बार बार यहाँ पे स्ट्राइक करता था इस बाहर के रबड़ को, तो मुझे कई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करने को मिली थी, बट हाँ, इसको मैं यूज़ कर रहा था। सेम चीज़ अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाएगी, जो कि एक एडिशनल कुशनिंग प्रोवाइड करती है। ये अलग तो नहीं होती, खैर यहाँ पे अंदर से अगर इसको देखेंगे तो अंदर से इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा एक एडिशनल पॉकेट की तरह एक्ट करती है, जो बहुत ही एक कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे से आपका पैर उसमें लैंड कर जाता है, ठीक है। गाइस, अब बात करते हैं इसके बेस की। तो अगर आप स्टड्स कंपेयर करेंगे तो इसके जो स्टड्स हैं वो हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, या फिर एरो शेप में, आप देख सकते हैं एरो शेप में इसके स्टड्स हैं, और इसके जो स्टड्स हैं वो है राउंड शेप में, और आप देख सकते हैं काफ़ी यूज़ करने के बाद इसका एक स्टड टूट भी गया है यहाँ से। चलो, वो तो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो अब यहाँ से अगर आप इसके देखेंगे, जो मेरा निविया ओब्लिक स्टड था उसमें मैंने उसकी तारीफ की थी कि उसके पास आपके डबल टेक्सचर्ड स्टड्स देखने को मिलेंगे, बट इसमें जो स्टड्स है वो कंबाइंड है, यानी कि जिस चीज़ से आपका शूज़ बना हुआ है, जिस वन पीस एक शू है, ये इसकी खास बात थी कि ये ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वन पीस है, इसमें कोई स्टिचिंग नहीं है। और आप यहाँ से देखेंगे तो राउंड स्टड्स सेम ही चीज़ के बने हुए हैं, जो कि यहाँ से टूटा भी हुआ है। तो खैर, इससे डिफरेंस यही है कि जो आपका ये राउंड वाला स्टड्स है, ये आपको स्पीड वगैरह में उतना हेल्प नहीं करता, ये स्टेबल ज़्यादा होता है, बट एज इसका नाम है स्पीड पोर्टल, इसके एरो एंगल स्टड्स हैं जो कि आपको स्पीड में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम है, इसका ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जो इसका डिफरेंस इसमें बताती है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल तो है, बट ये यहाँ से अगर सेंटर से देखेंगे तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, जबकि आप इसको देखेंगे तो ये सेंटर से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है गाइस। तो ये इसका मेजर डिफरेंस था। बाकी ड्यूरेबिलिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसको ऑलमोस्ट मैं 2 साल लगातार खेला था, बट इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉइंट्स हैं, और अगर हार्ड ग्राउंड में इसको आप यूज़ करेंगे तो आई थिंक आपको इसका ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा। और प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका प्राइस है आई थिंक 800-900 रुपये का आपको ये मार्केट में आज मिल जाएगा, और ये आपको 4.5-6 हज़ार तक का भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप स्टार्टिंग के डेज में अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बट हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपको कुछ टाइम हो गया खेलते हुए, आपको अब है कि आप एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, तो ये आपको बहुत ही ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस के लिए शू आपको हेल्प करेगा। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। पीस आउट।